अध्यक्षीय भाषण के बाद हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कार्य समिति को संबोधित किया। उसके पश्चात राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया जिसे प्रस्तुत हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह मिधुरी जी ने रखा। उसके अनुमोदन के लिए हमारे प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी ने अपने विचार रखे और उसके समर्थन के लिए हमारे पश्चिमी दिल्ली के सांसद श्री प्रवेश जी ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया। मूल रूप से आज जिन विषयों पर चर्चा हुई, दिल्ली सरकार के भ्रष्ट चेहरे को बेनकाब करने की बात हुई, उनके जो लगातार घोटाले हैं उस पर चर्चा हुई, और मैं दिल्ली की जनता को ये बधाई देता हूं, इन्होंने इस बात को स्थापित किया कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार भ्रष्ट है, यह उनके माथे पे चस्पा कर दिया गया है। शराब घोटाले में जिस तरह से उन्होंने घोटाला किया और फिर जनता के विरोध में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आंदोलन का जो संघर्ष था वो रंग लाया और उनको शराब नीति वापस लेनी पड़ी। उसी तरह से सत्येंद्र जैन जो उनके मंत्री हैं, पिछले 7 महीने से जेल में बंद है, पर अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि उन्होंने बर्खास्त क्यों नहीं किया। सत्येंद्र जैन सारी सुविधाएं ले रहे हैं मंत्री रहते हुए, पर हैरानी की बात यह है कि जो उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में संपर्क करने का फंड मिलता है जेल में रहते हुए वो 7 महीने से वो भी ले रहे हैं। अब वहां से कैसे निर्वाचन क्षेत्र में जाके संपर्क करते हैं ये बात हम सबको मालूम है। इसी तरह से जो मुख्य सचिव ने 163 करोड़ रुपए वसूलने का विज्ञापन घोटाले में, उसका भी इस राजनीतिक प्रस्ताव में आया। कई घोटाले हैं जिसकी चर्चा माननीय रामवीर सिंह जी भी करेंगे। निगम चुनावों की चर्चा हुई, हम 104 सीटें जीतकर आए, वो 134 जीतकर आए, उसके बावजूद वो मेयर नहीं बना रहे, उस विषय की भी चर्चा हुई। लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा है जिसका उल्लेख मैंने कार्यकारिणी में भी किया और यहां भी बताना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल जब चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली में लड़ा तो स्वीप किया, पंजाब में लड़ा स्वीप किया, उत्तराखंड हो तो वहां उनकी जमानत जब्त हुई। ये पहला चुनाव ऐसा था जिसमें उन्हें संघर्ष करना पड़ा, वो हमें 20 से 30 सीटें दे रहे थे और खुद 220 सीटें जीत रहे थे और 134 आगे खड़े हुए, तो उसकी खींच उनसे अभी तक मिटाई नहीं जा रही, और उसी खींच का नतीजा है जो सदन में, नगर निगम के सदन में हमें देखने को मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति में यह बात भी हुई कि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं ठुकराया है, 104 सीटें देकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के काम को मोहर भी लगाई है, कुछ कारण जरूर है। जैसे हमने जिक्र किया 24 सीटें हमारी ऐसी थी, 500 सीटें ऐसी और 10 सीटें ऐसी जो 500 से कम वोटों से हारे, 14 सीटें ऐसी हैं जो 1000 से कम वोटों से हारे। तो अगर थोड़ी सी मेहनत या जो कमी हमें लगती है थोड़ी सी दूर कर ली जाती तो दिल्ली का परिणाम कुछ और होता। उसी तरह से माननीय अनुराग जी ने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया, उन्होंने कई उदाहरण देके बताया कि किन किन योजनाओं को लेकर हमें और नीचे जाना चाहिए, कुछ सुझाव उन्होंने रखे संगठन के लिए, और बड़े सहज रूप से सभी कार्यकर्ताओं ने उसे स्वीकार भी किया। पर आगामी जो लक्ष्य हमारा है 2024 की 700 सीटें जीतना और 2025 में इस अलग सरकार को दिल्ली से बेदखल करना, उसको लेकर भी उसमें चर्चा हुई। और अभी संगठन के जो काम है, हमारा जो रोड मैप है आगामी 6 महीने का कि हमको किस दिशा में क्या क्या काम करने हैं, उस पर विस्तृत चर्चा तो कल हुई थी, लेकिन अभी विस्तार से चर्चा भोजन के बाद होगी, तो वो विषय भी हम आपको बाद में उसके डिस्कस कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, जैसे भी हरी जी या प्रवीण जी तय करेंगे।
या उसकी रिलीज आ जाएगी, मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं। तो मैं एक बार राजनीतिक जो घोटाले हैं या जिसमें राजनीतिक वृद्ध है उसके लिए मैं माननीय रामवीर सिंह से, विधुरी जी से निवेदन करूंगा, आप पूछते हैं। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुझे दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के समक्ष राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर दिल्ली प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सरदेवा जी ने दिया। प्रस्ताव की कॉपीज अलग से श्री हरीश खुराना जी आप सभी को भिजवा देंगे। प्रस्ताव के जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में मैं जरूर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। आप सभी को मालूम है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2022-2023 का जब बजट दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत किया तो अरविंद केजरीवाल की ओर से बहुत जोर शोर से प्रचार किया गया था कि ये बजट रोजगार बजट है, हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, दिल्ली के जो पांच बड़े बाजार हैं या मार्केट्स हैं उनको रिडेवलप करेंगे और इसके लिए लगभग 400 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बजट में प्रावधान किया। आप सभी को जानकारी देते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि पिछले एक साल में 20 लाख रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार 20 लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाई। जिन पांच मार्केट्स को रिडेवलप करने की बात कही थी उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, कैबिनेट से अप्रूवल नहीं मिली और तीसरी बात जो उन्होंने अलग अलग मार्केट्स में फेस्टिवल्स लगाने की बात कही थी कि फेस्टिवल आयोजित करेंगे, एक भी फेस्टिवल दिल्ली की किसी मार्केट में आयोजित नहीं किया गया। 400 करोड़ रुपए का बजट था, 4 पैसा इस पर खर्च नहीं किया गया। शिक्षा मॉडल की बात हुई है, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 8 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार को 13 नए स्कूल्स बनाने के लिए 13 प्लॉट्स उपलब्ध कराए और उससे पहले भी 57 प्लॉट्स उपलब्ध कराए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार एक भी नए स्कूल दिल्ली के लोगों को नहीं दे पाई। यह मुद्दा भी सामने आया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो स्कूल्स में नए रूम्स बनाए हैं उसमें भी लगभग 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, सीबीसी की रिपोर्ट आ गई है, इस पर भी चर्चा हुई। यह चर्चा भी हुई कि जब 10वीं क्लास के रिजल्ट आए, हमारा रिजल्ट था 82% और दिल्ली शिक्षा के मामले में 8वें नंबर पर है और जो 82% हमारा रिजल्ट आया उसमें दिल्ली पूरे देश में 13वें नंबर पर है। यह मुद्दा भी उठा कि दिल्ली के जो 12 कॉलेजेस हैं जो कभी श्री मदनलाल खुराना जी ने, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने बनाए थे, अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 4 महीने से टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी नहीं दे पा रही है और इन इस कॉलेज के प्रोफेसर्स को दिल्ली के अंदर अलग अलग सड़कों पर जूते साफ करने पड़ रहे हैं। दिल्ली में जहरीली हवा है, पहले WHO ने कहा कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है, उसके बाद एक और रिपोर्ट आई है कि दिल्ली हिंदुस्तान की भी सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है और यह रिपोर्ट भी आई है दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल से उनके डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट सबमिट की है कि प्रदूषण की वजह से
दिल्ली में 53% लोग जो हैं वो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। तो दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। यमुना की भी चर्चा हुई कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद यमुना पिछले 8 सालों में 200% और ज्यादा प्रदूषित हो गई है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 5 सालों में एक भी वरिष्ठ नागरिक को ओल्ड एज पेंशन बनाकर नहीं दे पाई। यह मुद्दा भी इस प्रस्ताव में उठाया गया है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 26 दिसंबर 2022 को इंडिया गेट से 5 किलोमीटर दूरी पर है नंगला रजापुर गांव है, किसानों की जमीन जो एक्वायर की है उसका मुआवजा 22 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को दिया गया है। यदि हरियाणा उत्तर प्रदेश में किसान की जमीन एक्वायर होती है तो 10 करोड़ रुपए से लेकर 15 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा मिलता है। और अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली के किसानों से ये वायदा किया था कि हम कम से कम किसान को 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से यदि उसकी जमीन एक्वायर की जाएगी तो उसको मुआवजा दिया जाएगा। सत्येंद्र जैन का मामला उठा, वो जेल में है लेकिन उनको सैलरी मिल रही है, उनको भत्ता मिल रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाने की जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी उसको फायदा पहुंचाने के लिए सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपया लिया है। और यह चर्चा भी हुई कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर, उनका जो आरोप है कि उन्होंने 50 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को या सत्येंद्र जैन को या गहलोत को दिए हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुकेश चंद्रशेखर के इन आरोपों का खंडन नहीं किया है। जल बोर्ड में 58,000 करोड़ रुपए का घोटाला पहले हो चुका है और आपको जानकर हैरानी होगी कि जल बोर्ड ने अभी जो सैंपल्स उठाए हैं 365 सैंपल्स फेल हो गए। और ये रिपोर्ट जल बोर्ड ने दी है कि हम दिल्ली के लोगों को जो पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं इतना प्रदूषित है कि इसको पीकर दिल्ली के लोगों की किडनी, लीवर और पेट खराब हो रहे हैं। ये दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट है। 20 करोड़ रुपए का जो एक और घोटाला जल बोर्ड में हाल ही में हुआ है जिसकी रिपोर्ट आ गई है उसके उस पर भी आज चर्चा हुई। क्लासरूम्स का घोटाले के बारे में मैंने आपको चर्चा की है, 1300 करोड़ रुपए का घोटाला है, सीबीसी ने रिपोर्ट दे दी है और एंटी करप्शन ब्यूरो अब उसकी जांच कर रहा है। बिजली घोटाले का भी मामला उठा है, 8,000 करोड़ रुपया का फायदा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बिजली कंपनियों को पहुंचाया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दिल्ली सरकार की रिपोर्ट कह रही है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बारे में भी हमने अरकारनी में ये जानकारी दी है कि 13 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें 90% कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोगस हैं और इसमें लगभग 900 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। एक महत्वपूर्ण बात जो और कही गई है आज दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी में कि दिल्ली में जब नई शराब नीति लाई गई तो उसमें 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने स्वीकार किया है कि नई शराब नीति आने के बाद दिल्ली सरकार को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का घाटा। शराब घोटाले में शामिल थे उनको बचाने के लिए दिल्ली की सरकार ने टैक्स पेयर्स का जो पैसा है दिल्ली सरकार के खजाने से 25 करोड़ रुपया देश के वरिष्ठ वकीलों के ऊपर खर्च किया है। इसकी भी जो दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी की जो बैठक है उसमें उसकी निंदा की गई।